गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यूइंग विद अवर नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंस बिटवीन डीमैट एंड फिजिकल शेयर्स। लीगली अगर बात करें तो कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी इन्वेस्टर जिसके पास सिक्योरिटीज हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में है चाहे वो डीमैट फॉर्म में है, वो उसका एक्चुअल ऑनर, लीगल ऑनर माना जाएगा। उसको सभी बेनिफिट्स मिलेंगे। डिफरेंस दोनों में उससे रिलेटेड जो ऑनरशिप से रिलेटेड है या उन्हें कोई बेनिफिट्स मिलने से रिलेटेड है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। डिफरेंस सिर्फ दोनों में कितना है कि एक में आपके पास फिजिकल फॉर्म में है सिक्योरिटीज और दूसरे में आपके पास वर्चुअल फॉर्म में सिक्योरिटीज है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपके पास सिक्योरिटीज है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो क्या है? पहला है डिफरेंस, दैट इज फॉर्म। फिजिकल शेयर्स आपके पास प्रिंटेड सर्टिफिकेट्स की फॉर्म में होते हैं, जबकि डीमैट शेयर्स आपके पास डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। डिस्टिंक्टिव नंबर की बात करें, फिजिकल शेयर्स अगर आपके पास हैं तो आपके पास हर एक शेयर का अलग सर्टिफिकेट नंबर होगा, फोलियो नंबर होगा, शेयर नंबर होगा और नेम और एड्रेस शेयर होल्डर्स का उसके ऊपर मेंशन होगा। लेकिन अगर आपके पास डीमैट शेयर्स हैं तो हर एक शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर कोई नंबर, पोर्टफोलियो नंबर नहीं होता है, सारे शेयर्स एक जैसे होते हैं और ना ही हर एक शेयर के ऊपर नाम या एड्रेस शेयर होल्डर का मेंशन होगा, सारे शेयर्स एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। नेक्स्ट इज फंजेबल, इंटरचेंजेबल। डीमैट शेयर्स हैं सारे एक जैसे हैं तो इंटरचेंजेबल होते हैं क्योंकि उनका कोई डिस्टिंक्टिव आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होता। लेकिन अगर फिजिकल शेयर्स हैं तो नॉट फंजेबल है, हर एक का अलग से नंबर होता है, आप एक को दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अगर आपके पास डीमैट शेयर्स हैं तो आपको डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की सर्विसेज लेनी पड़ती हैं, अगर फिजिकल फॉर्म में है तो आपको उनकी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है। टाइम रिक्वायर्ड इन ट्रांसफ़र और सबमिशन ऑफ शेयर्स। अगर आपके पास शेयर्स जो हैं फिजिकल फॉर्म में हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लॉन्ग टाइम रिक्वायर होगा अगर आपने ट्रांसफ़र करना है या ट्रांसमिट करने हैं शेयर्स को, जबकि फिजिकल फॉर्म में अगर नहीं है, मतलब डीमैट फॉर्म में है, तो वो बहुत ही छोटा टाइम पीरियड लेते हैं। देन इज सेफ्टी, डीमैट शेयर्स सेफ हैं, कस्टडी उनकी किसके पास है, डिपॉजिटरी के पास है, जबकि फिजिकल शेयर्स आपके चोरी हो सकते हैं, गुम हो सकते हैं ड्यूरिंग दी ट्रांसिट जब आप उन्हें ट्रांसफ़र कर रहे हो। नेक्स्ट इज टाइम इन रिसिप्ट ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट। जो डीमैट शेयर्स हैं उन उस केस में जल्दी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी आपके अकाउंट में आपको शो हो जाएगा कि आपको बेनिफिट मिल गया। लेकिन अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर्स हैं तो आपको बहुत टाइम पीरियड बाद पता चलता है कि आपको बेनिफिट मिला है और क्या बेनिफिट मिला है, क्योंकि थ्रू पोस्ट जाएंगे वो बेनिफिट्स आपके पास पेपर फॉर्म में, तो उसमें जो टाइम है वो आपको लॉन्ग लगेगा। नेक्स्ट स्टैम्प ड्यूटी, अगर ट्रांसफ़र कर रहे हो फिजिकल शेयर्स तो स्टैम्प ड्यूटी पेबल होती है, जबकि डीमैट शेयर्स में स्टैम्प ड्यूटी पेबल नहीं होती है। मिनिमम ट्रेडेबल लॉट की जो प्रॉब्लम है फिजिकल शेयर्स अगर आपके पास हैं तो आएगी, और अगर आपके पास डीमैट शेयर हैं तो मिनिमम ट्रेडेबल लॉट की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप इवन सिंगल शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट। हर एक इंडिविजुअल के पास एक डीमैट अकाउंट होगा जिसमें उसकी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज जो उसके पास हैं वो होती हैं। अगर जो भी पर्सन है जिसका डीमैट अकाउंट है उसमें जो अमाउंट है सिक्योरिटीज़ की वो 2 लाख रुपीज़ तक की है, उससे ज़्यादा की नहीं है, तो वो अपने डीमैट अकाउंट को बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ चार्जेस का है। जो बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट है उसका मेन पर्पस है कि जो डीमैट सर्विसेज है वो स्मॉल जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। जो कॉस्ट होती है, जो फीस आपकी लगती है बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट के लिए, वो बहुत कम होती है। इंडिया में जो ये बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट की सर्विस है ये शुरू हुई थी विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1, 2012। अगर आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं उसकी वैल्यू 50,000 रुपीज़ तक है तो कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो डिपॉजिटरी है आपसे चार्ज नहीं करेगी, क्योंकि वो बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट के अंदर आ जाते हैं।
लेकिन अगर आपकी सिक्योरिटीज की वैल्यू 50,000 से लेकर 2 लाख रुपीस तक है तो आपका जो एनुअल चार्जेस लगेगा वो 100 रुपीस का लगेगा। और अगर जो भी ऑल एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स अगर कन्वर्ट करते हैं अपने डीमैट अकाउंट को BSTA में, अगर जो आपकी वैल्यू है सिक्योरिटीज की वो 2 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो एक्स्ट्रा जो चार्जेस है आपसे ले सकता है, जो एक रेगुलर डीमैट अकाउंट के ऊपर वो लेता है उस डेट से जिस डेट से आपकी जो वैल्यू है 2 लाख रुपीज से इंक्रीज हो गई है। तो जो BST है वो मोटिवेट करता है स्मॉल इन्वेस्टर्स को कि वो डीमैट अकाउंट अपना ओपन करें और प्रमोट करता है यूज़ को डीमैट सर्विसेज की अमंग स्मॉल इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिपॉजिटरी प्रोसेस। डिपॉजिटरी प्रोसेस में क्या है, जो कंपनी है ये है, इसमें वही चीज़ें जो हम ऊपर लेक्चर में पढ़ के आए हैं उसी को स्टेप वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। वो क्या है, कंपनी जिसने अपनी सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करवाना है इलेक्ट्रॉनिक मोड में, मतलब पहले अगर कोई कंपनी है वो जब उसने इशू निकाला तो वो फिजिकल फॉर्म में उसने अपने शेयर्स दिए, फिजिकल शेयर्स उसने दिए। अब वो क्या चाहती है कि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं देना चाहती, वो उन्हें कन्वर्ट करवाना चाहती है, डीमेटेरियलाइज करवाना चाहती है। तो उस केस में जो कंपनी जो अपनी सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करना चाहती है इलेक्ट्रॉनिक मोड में, उसे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा डिपॉजिटरी के पास। जो इन्वेस्टर है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाएगा, उसके उसके पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाएगा। इन केस अगर जो इन्वेस्टर है उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है, उसे उसे डीमेटेरियलाइज करवाना है, तो वही जो हमने पीछे प्रोसेस पढ़ा कि एक इन्वेस्टर है उसके पास फिजिकल शेयर्स हैं तो वो पहले किसके पास जाएगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाएगा, उसे एप्लीकेशन देगा, फिजिकल सर्टिफिकेट देगा कि मुझे ये डीमेटेरियलाइज करवाने हैं। फिर जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उन फिजिकल सर्टिफिकेट को जो कंपनी का रजिस्ट्रार है इशूअर कंपनी का उसको देगा और इंटीमेट करेगा डिपॉजिटरी को। उसके बाद पूरी वेरिफिकेशन के बाद जो रजिस्ट्रार है कंपनी का वो अपडेट करेगा अपने रिकॉर्ड और डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करेगा कि डीमेटेरियलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, मतलब कि जो फिजिकल शेयर्स थे हमने उन्हें कन्वर्ट कर दिया है डीमैट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अब जो डीमैट अकाउंट है इन्वेस्टर का वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। देन इन केस अगर न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज निकल रहा है तो इन्वेस्टर डिसाइड कर सकता है कि उसे जो सिक्योरिटीज है फिजिकल मोड में रखनी है या डिपॉजिटरी मोड में रखनी है। इन केस वो ऑप्ट करता है डिपॉजिटरी मोड में तो जो सिक्योरिटीज हैं डायरेक्टली उसके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी जब भी उसे सिक्योरिटीज अलॉट होती हैं। देन सिक्योरिटीज जो आपने डीमैट अकाउंट में रखी हैं आप उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बेच सकते हैं। प्रेजेंटली ऑल लिस्टेड जो शेयर्स हैं जो ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में उनके लिए डीमैट फॉर्म में होना कंपलसरी है। अगर जो बेनिफिशियल ऑनर हैं वो दोबारा से अपनी सिक्योरिटीज को फिजिकल फॉर्म में चाहता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं चाहता है, तो वो उसे भी कन्वर्ट कर सकता है। अगर उसने इलेक्ट्रॉनिक मोड से फिजिकल फॉर्म में अपनी सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करना है तो उसे रीमेटेरियलाइजेशन कहा जाता है। और अगर उसे रीमेटेरियलाइजेशन करना है तो अगेन सेम प्रोसेस फॉलो होगा, जो कन्वर्ट करना चाहता है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाएगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करेगा और रजिस्ट्रार ऑफ इश्योर कंपनी को के पास रिक्वेस्ट भेजेगा। जो रजिस्ट्रार है वो अपने रिकॉर्ड अपडेट करेगा और फिजिकल सर्टिफिकेट जो है इन्वेस्टर को सेंड करेगा और डिपॉजिटरी को उसके बारे में इंटीमेशन देगा। नेक्स्ट जो DP है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट जो भी हुई है ट्रांजैक्शन बाय या सेल की और होल्डिंग स्टेटमेंट किसके किसके के अकाउंट में कितना बैलेंस सिक्योरिटीज का है पीरियोडिकली इन्फॉर्म करेगा इन्वेस्टर्स को जिसका भी डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज पेपरलेस और स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग। अभी यही जो हम ऊपर पूरा प्रोसेस कर रहे हैं कि फिजिकल फॉर्म में आपके पास शेयर नहीं है और आप उसे ट्रेड कर रहे हैं तो उसी को हम पेपरलेस या स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग कहते हैं। पेपरलेस या स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग का मतलब है ट्रेडिंग सिक्योरिटीज में जो आप कर रहे हो जहाँ पे जो आपके एक्चुअल शेयर सर्टिफिकेट हैं वो ट्रेड या एक्सचेंज नहीं हो रहे बल्कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास शेयर्स हैं उन्हें डेबिट और क्रेडिट किया
जा रहा है, तो उसी को हम ट्रेडिंग इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म या डीमेट फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म में जो ट्रेडिंग और डिलीवरी है या रिसिप्ट जो आपको सिक्योरिटीज की हो रही है वो डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू होती है। अगर परचेज आपने सिक्योरिटीज की हैं तो जो डीमैट अकाउंट है बेनिफिशियल ऑनर का उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा, और अगर आपने सेल की हैं तो उसका डीमैट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो इंटरमीडियरी की तरह एक करेंगे बिटवीन बायर और सेलर और एक तरफ और दूसरी तरफ डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए। इंडिया में हम बात करें तो जो पेपरलेस ट्रेडिंग थी वो शुरू हुई थी जब आपका एक्ट आया था, डिपॉजिटरी एक्ट 1996, वो बिगनिंग थी न्यू पेपरलेस और स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग एनवायरनमेंट की। देन आता है हमारा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये डिपॉजिटरी है जो इंडिया में वर्क कर रही है, लार्जेस्ट और फर्स्ट डिपॉजिटरी है इंडिया की। एस्टैब्लिश हुई थी अगस्त 1996 में जब आपका डिपॉजिटरी एक्ट 1996 इनैक्ट हुआ था, उसी से ही एनएसडीएल की एस्टैब्लिशमेंट के लिए डायरेक्शन मिली थी। और ये हेल्प करता है इन्वेस्टर्स, इशुअर, ब्रोकर्स को कैपिटल मार्केट में। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है सेफ्टी और साउंडनेस इंडियन कैपिटल मार्केट में रखना, एक सेटलमेंट सिस्टम डेवलप करके जो इंक्रीज करेगा एफिशिएंसी, मिनिमाइज करेगा रिस्क और कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। तो डिपॉजिटरी सिस्टम, ऑनरशिप, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्रीज के मींस से यहाँ पर होती है। फंक्शंस क्या है एनएसडीएल के? अनेबल आपको करता है कि आप कभी भी, जो इन्वेस्टर है वो कभी भी अपनी सिक्योरिटीज को सरेंडर कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है सिक्योरिटीज को टू एंड फ्रॉम दी डिपॉजिटरी। देन रीमेटेरियलाइजेशन की, डीमेटेरियलाइजेशन की सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वही जो सारे फंक्शंस डिपॉजिटरी के हैं वही एनएसडीएल के होंगे, क्योंकि एनएसडीएल क्या है? डिपॉजिटरी है। एनेबल करता है फास्टर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ट्रांजेक्शन स्टॉक मार्केट में, मेंटेन करता है इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इफेक्ट करता है सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज जो ट्रेड हो रही हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में, फैसिलिटेट कर सकता है, आप प्लेज कर सकते हो डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटीज को, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स को रिसीव करता है जैसे बोनस शेयर, राइट शेयर, डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो बेनिफिशियल ऑनर है उनके अकाउंट में प्रोवाइड करवाता है, अकाउंट स्टेटमेंट पीरियोडिकली अपने इन्वेस्टर्स को, फैसिलिटेट करता है लेंडिंग एंड बोरोइंग सिक्योरिटीज में जो आपके पास डीमैट अकाउंट में है। देन सेकेंड जो हमारे पास डिपॉजिटरी है दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, CDSL जिसे हम कहते हैं। एट प्रेजेंट दो डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में, एक NSDL और दूसरा है CDSL, जिसके थ्रू सारी ट्रांजेक्शन जो भी डिमेटेरियलाइज सिक्योरिटीज में हो रही हैं इंडिया में होती हैं। जो CDSL है वो सेकेंड डिपॉजिटरी है इंडिया की और एस्टैब्लिश हुई थी फरवरी 1999 में। इसके भी सारे सेम वही फंक्शन है जो NSDL के हैं। जो CDSL है इसे इनिशियली प्रमोट किया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ने, उसके बाद उसने अपना जो भी उसका शेयर था वो उसने सोल्ड कर दिया बैंक्स को, तो बैंक जो हैं वो इसके शेयर होल्डर्स हैं। देन CDSL जो सेटअप हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव था कन्वीनियंट, डिपेंडेबल और सिक्योर डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना अफोर्डेबल कॉस्ट पे सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। तो जो भी लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जैसे BSE, NSE, उनकी कनेक्टिविटी है CDSL से, और एज अ डिपॉजिटरी CDSL सर्विसेज देती है अपने इन्वेस्टर्स को थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन डिपॉजिटरी एंड बेनिफिशियल ऑनर्स। जो क्लियरिंग कॉरपोरेशंस हैं, क्लियरिंग हाउसेज हैं स्टॉक एक्सचेंज के, वो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड हैं जो CDSL है उससे, ताकि क्विक सेटलमेंट हो पाए ट्रांजेक्शंस की। देन जो एक्टिविटीज़ हैं डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन सिक्योरिटीज की, कॉर्पोरेट एक्शन इशू करना, राइट एंड बोनस शेयर कंसोलिडेशन, सब डिविजन, रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज जो इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज ने करनी है, उनके रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट्स ने करनी है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी है CDSL से, वो सारे काम भी करता है। वाइड नेटवर्क है इसका DPs का जो ऑपरेट करता है ओवर 17,000 साइट्स अक्रॉस द कंट्री, कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाता है अपने इन्वेस्टर्स को सेलेक्ट करने के लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। फंक्शंस जो CDSL के हैं वो सारे सेम फंक्शंस हैं जो आपके NSDL के फंक्शंस हैं। तो इसके साथ जो आपका डिपॉजिटरी का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।